नमस्कार, स्वामी न्यूज टॉप 10 समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आज अजमेर के टॉप 10 समाचारों में बड़ी खबर। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम बोलो वोटर बोलो में आज स्वामी न्यूज की टीम ने वार्ड संख्या 3 और 4 के क्षेत्रवासियों की नब्ज टटोली और आने वाले नगर निगम चुनाव में क्षेत्रवासी किस पार्टी का समर्थन करते हैं यह जानने की कोशिश की। स्वामी न्यूज के स्टूडियो में स्वामी ग्रुप के सीएम ने कौल प्रकाश कृष्णा ने, वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवा ने, कांग्रेस की ओर से रवि शर्मा सचिव और भाजपा पूर्व उपाध्यक्ष संजय खंडेलवाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के साथ ही वार्ड के नए उम्मीदवारों ने भी स्वामी न्यूज के माध्यम से अपनी दावेदारी पेश की। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स इस बार फरवरी महीने से शुरू होगा, लेकिन उस पर कोरोना महामारी का असर साफ दिखाई देने लगा है। अजमेर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज हुई एक अहम बैठक में उर्स मेले पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में दरगाह कमेटी सहित दरगाह दीवान व खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सरकार के दिशा निर्देश के तहत एक जगह भीड़ इकट्ठा होना व कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ है। रेलवे अस्पताल में रेलवे कर्मचारियों के लिए नए ऑपरेशन थिएटर का निर्माण हुआ है। अजमेर के रेलवे अस्पताल को अब नए ऑपरेशन थिएटर्स की सौगात मिली है, जिसमें उपचार के लिए रेलवे कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। 130 साल पुराने इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर काफी पुराने हो गए थे, साथ ही यहां पर पुरानी मशीन्स लगी हुई थी, लेकिन इनको उच्च स्तरीय बनाने के लिए व हाई टेक्नोलॉजी की मशीन्स लगाने के लिए पिछले 1 साल से कार्य किया जा रहा था, जो पूर्ण हो चुका है। पुलिस महानिदेशक नीना सिंह आज सालाना निरीक्षण अजमेर पहुंची। एडीजी नीना सिंह ने सबसे पहले रेंज आईजी ऑफिस का निरीक्षण किया, जहां आईजी हवा सिंह घुमरिया, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने उनकी अगवानी की और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईजी ऑफिस का निरीक्षण करने के बाद एडीजी नीना सिंह एसपी ऑफिस का भी निरीक्षण करेंगे और जिले के आला पुलिस अफसरों के साथ क्राइम मीटिंग भी लेंगे। बीजेपी पार्टी ने सरकार द्वारा किसान बिलों के खिलाफ खड़े होने, एक भ्रम फैलाने वाले अन्य राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बिल निकाले गए, जिसके विरोध में किसान एक अन्य राजनीतिक पार्टियां जैसे कि कांग्रेस और उनके समर्थक पार्टियां खड़ी हुई हैं। उसके खिलाफ बीजेपी पार्टी ने ओबीसी मोर्चा के संविधान में राजपद का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन सौंपा और कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। पार्टी ने विश्व के 7 धरोहर स्थापित करने के निर्णय के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत और शहर में विश्व के 7 धरोहर को स्थापित करने का निर्णय सुनिश्चित किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ अपनी नामंजूरी जताते हुए कलेक्टर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, साथ ही में अपनी इच्छा रखी कि इस सब के बजाय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्थान के धरोहर और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए और युवाओं के लिए काम और आगे बढ़ने के मौके दिए जाए। शहर में बढ़ती ठंड के कारण कार पर बर्फ जमी। अजमेर के निवासी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी कार भार कड़े होने के कारण सुबह उनकी कार पर बर्फ जमी मिली और साथ ही उन्होंने सभी लोगों को ठंड से बचने की हिदायत भी दी। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। नव निर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा और समाज सेवी भवर सिंह पलाड़ा निकल पड़े गाड़ी में कंबल भरकर। जहां जहां भी इनको शहर में ऐसे जरूरतमंद दिखाई दिए जो ठंड से ठिठुर रहे थे, उन्हें कंबल उड़ाकर उन्हें राहत प्रदान की गई। कस्बे में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ के निर्देशानुसार अलग अलग सरकारी महकमों की ओर से कोरोना जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। आज पुष्कर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर आर के गुप्ता के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कस्बे में जन जागरूकता रैली निकाल कर लोगों को मास्क लगा कर निकलने और दुकानदारों को मास्क पहनकर सामान देने के लिए जागरूक किया। And it comes with an assurance of a long-lasting performance.
Glenmuir Finished Cooktops. Experience the magic.